हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एस स्टडी विद रिचा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक को। हाँ, सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर 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 कर लीजिएगा, आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। और सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करो। आप लाइक नहीं करते हो, लाइक में बहुत ही कंजूसी करते हो। वीडियो स्टार्ट हो रही है, आपको कंसेप्ट मिल रहा है, पहले ही लाइक कर दिया कीजिए ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक शुरू किया था, इसके यूनिट वन में से यूनिट टू इसमें मोस्टली कवर हो चुकी हैं। यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रखा है हमने, यूनिट सेकंड का आई थिंक लास्ट टॉपिक है, कल से हम आज से ही यूनिट थ्री स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटीज़, ठीक है। ह्यूमन डाइवर्सिटी का कंसेप्ट, मीनिंग, कॉजेज जो थे वो ऑलरेडी वीडियो मैंने डाल दी है, ना देखी हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटीज़। देखिए, टू द पॉइंट वीडियो होती है, ध्यान से सुना कीजिए, आपको रिटन कंटेंट भी मिल जाएगा और साथ में नॉलेज भी मिलेगी, जो आपको कंटेंट याद ना होने पर भी आप एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट कराओगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डाइवर्सिटी, ह्यूमन डाइवर्सिटी क्या होता है कि जो एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल पर्सन से जो मैनर्स या जो बिहेवियर चेंज कर देता है उसको हम ह्यूमन डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन द टू पर्सन और एनी ऑफ द पर्सन विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सन। तो इसमें हम एजुकेशन इम्प्लीकेशंस को कैसे हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। देखिए, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, ठीक है। अब वो डेवलपमेंट जब हर बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है तो उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। अ लर्नर हैव डिफरेंट गोल्स, डिफरेंट इंटरेस्ट, डिफरेंट इमोशनल प्रॉब्लम्स एंड डिफरेंट एबिलिटीज। सो अ टीचर मस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज द इंडिविजुअल डिफरेंस, द इंडिविजुअल नीड ऑफ द स्टूडेंट एंड देन प्रोवाइड देम सॉल्यूशंस व्हाट एवर दे नीड। ओके, दिस इज द मेन एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। ओके, सो वी कैन नॉट इग्नोर एनी ऑफ द लर्नर, सो देयर आर सम प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स फॉर अडॉप्टिंग द स्कूल वर्क टू इंडिविजुअल डिफरेंसेज। वट कैन इट बी? इट कैन बी लाइक लिमिटेड साइज ऑफ क्लास। अब देखिए, एक क्लास में अगर बच्चों को इतना भर दिया जाएगा दैट द क्लासेज विल बी ओवर क्राउडेड, मोर देन 30 स्टूडेंट्स, मोर देन 40 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, एंड द टीचर इज ओनली वन पर्सन ना, टीचर इज ऑल्सो ह्यूमन, हाउ कैन अ टीचर कैन हैंडल द सो लेंथी स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास? How can they check the copies of the students? How can they recognize? How can they find out the problem of each student in the homework, in the classwork, right? So the size of the class should be limited. And by facing so much difficulties in this level, the government has decided the number of students in the class, okay, in the class or in each section, right? Like 30 students in each section, it can be 32, but not more than 32. Okay, so if the size of the student is increasing, then they can add one more section of the same class, but not to increase the number of students in the per section. Okay, if the number of students is increasing more than 32 in each section, then they can make another section of the same class, but not to increase the more number of students in each section. Okay, it's better to make a different section, right? सो नेक्स्ट इज होम टास्क। अब देखिए, जो घर में काम दिया जाएगा स्टूडेंट्स को, वो इस तरह का होना चाहिए कि जो उनको कंसेप्ट क्लास में क्लियर करवाया है उसका एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करवाई जाए, और उनको एक ही एक्टिविटी ना दी जाए, तीन से चार एक्टिविटीज़ दी जाए जिसमें से उनको कोई एक करनी है। व्हाट विल बी इट्स बेनिफिट? इट्स बेनिफिट विल बी द स्टूडेंट विल अटेम्प्ट द एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। ओके, सो इंडिविजुअल नीड विल बी सेटिस्फाइड, right? The any student can do the homework and clear the concept taught in the class. So home task should be should be divided into activities which will cover the need of many students. Okay, teachers are experienced, they know what type of interest can be of the students. Okay, so they can select the activities which can cover most of the needs of the students. नेक्स्ट इज फैक्टर ऑफ सेक्स। अब देखिए, फैक्टर ऑफ सेक्स क्या होता है कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हर सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं। हमारी सोसाइटी में बॉयज़ एंड गर्ल्स के कुछ रूल्स को फाइनलाइज कर रखा है कि भाई आपको बॉयज़ को ये करना होता है, गर्ल्स को ये करना होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ये चीज़ पढ़ाई जाए कि क्या बॉयज़ के रूल हैं, क्या गर्ल्स के रूल हैं, बट उनको गो थ्रू करवाना कि हमारे सोसाइटी के भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली ये चीज़ें होती हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। ओके, दे वर नॉट टीचिंग द रूल्स ऑफ द सोसाइटी अबाउट द सेक्स नॉर्म्स। ओके, दे वर जस्ट गो थ्रू देम।
ओके, ताकि सोसाइटी में अगर उनसे कोई कुछ कहता है तो उनका रिएक्शन ये ना हो कि अरे ये क्या कह दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि उनको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या उनकी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, थॉट पर्पस है, ठीक है, तभी वो सोसाइटी में सर्वाइव कर सकते हैं, उनकी थॉट को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्यूरिकुलम, कि क्यूरिकुलम इस तरह से होना चाहिए जो कि बच्चों को बर्डन भी ना लगे, रियल टाइम जो रियल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं स्टूडेंट्स उससे रिगार्डिंग, ठीक है, और फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वेन एवर द चेंज इज रिक्वायर्ड इन द सिलेबस इट कैन बी इट शुड बी प्रोवाइडेड इन द क्यूरिकुलम। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनरी ट्रीटमेंट, डिस्क्रिमिनरी का मतलब होता है अनुशासन, ठीक है, कि बच्चों को डिस्प्लिनरी मैनर में बिहेव करना सिखाया जाए कि अगर कभी भी उनको एंगर आता है, ठीक है, या वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं तो देन हाउ कैन दे रिएक्ट इन एंगर एंड इन हैप्पीनेस, ओके, दे मस्ट हैव टू कंट्रोल, दे मस्ट हैव टू बी बिहेव इन अ डिसिप्लिन मैनर। मैथड ऑफ टीचिंग, हर स्टूडेंट का सोचने का, कंटेंट को लर्न करने का, समझने का एक डिफरेंट तरीका होता है, ठीक है, एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ सेपरेट वे ऑफ थिंकिंग, सेपरेट वे ऑफ टेकिंग द कंटेंट टॉट इन द क्लास। सो टीचर शुड नॉट फोकस ओनली ऑन वन मेथड ऑफ टीचिंग, देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ टीचिंग, आई विल टॉच यू, इट इज़ ऑल्सो अ सब्जेक्ट, इट इज़ ऑल्सो अ टॉपिक ऑफ वन सब्जेक्ट, सो आई विल कवर दैट ऑल्सो, बट हेयर देर इज़ नो नीड टू एक्सप्लेन ऑल द मेथड्स, हेयर टॉपिक इज डिफरेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द टीचर मस्ट नॉट फोकस ओनली ऑन वन मेथड ऑफ टीचिंग, दे शुड चेंज द मेथड ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट एंड एट द पॉइंट ऑफ द टाइम, ठीक है, अगर टीचर को लगता है कि ये जो कंटेंट क्लास टीचर में उस टाइम पे पढ़ा रहा है बच्चों को समझ में नहीं आ रहा उस मेथड से, तो एट अ टाइम वो चेंज कर ले, ठीक है, टीचर शुड बी फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट इज प्रॉपर डिवीजन ऑफ द क्लास, अब डिवीजन से क्या मतलब है, डिवीजन से मतलब होता है कि देखो दो तरह से क्लासेस की डिवीजन की जा सकती है, एक तो ये है कि बच्चों को उनके ग्रेड्स के अकॉर्डिंग डिवीजन किया जाए कि अबव 90%, अबव 80%, अबव 70%, जो कि सही नहीं है, इट्स नॉट अ राइट कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर डिवीजन ऑफ द क्लास। जो डिवीज़न होनी चाहिए वो इस तरह से होनी चाहिए कि कुछ बच्चे इंटरमीडिएट होने चाहिए, कुछ गिफ्टेड होने चाहिए, कुछ बहुत मोस्ट इंटेलिजेंट होने चाहिए। उसका मतलब बेनिफिट क्या होता है कि जो इमीडिएट स्टूडेंट्स हैं वो जो हाई लेवल्स हाई इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आते हैं उनको देखकर मोटिवेट होंगे, ठीक है, और जो हाई इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो इंटरमीडिएट वालों की हेल्प करेंगे जिससे कि उनको एक कॉपरेशन की फीलिंग आएगी, ठीक है, वो लर्न करेंगे, वो सीखेंगे कि किस तरह से कॉपरेट करना चाहिए दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में, किसी की हेल्प कैसे करनी चाहिए। और जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनको क्या है, या जो कि बहुत ही जिनका इंटेलिजेंस लेवल बहुत ही कम होगा, वो क्या है कि दूसरों को देखेंगे, उनकी हेल्प लेंगे और उनसे मोटिवेट होकर खुद भी अच्छा करना चाहेंगे। सो ग्रुप क्लास शुड बी डिवाइडेड इन अ मिक्सचर ऑफ ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, नॉट ओनली वन टाइप, ओके, विच इज़ कंसीडर्ड द बेस्ट। नेक्स्ट इज गाइडेंस, कि गाइडेंस मतलब ये होता है कि गाइडेंस, वैसे ऑलरेडी मेरे वीडियोस बहुत सारी बनी हुई हैं, गाइडेंस पे पूरा सब्जेक्ट मैंने कवर कर रखा है, आप डिटेल में आपको वहाँ से समझ सकते हो, बट इस पॉइंट पे आपको क्या लिखना होगा कि जो डिफरेंट टाइप की गाइडेंस है, जैसे कि उनको एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी कंटेंट समझने में, या फिर वो क्लास में समझ लेते हैं बट लर्न करने में प्रॉब्लम आ रही है, या लिखते टाइम भूल जाते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसके लिए गाइडेंस देना, किस तरह से उनको अपने आइडियाज़ को क्रिएटिव वे में एक्सप्लेन करना है उसके रिगार्डिंग गाइडेंस देना, वोकेशन के रिगार्डिंग गाइडेंस देना कि किस क्या क्या प्रोफेशन वो चूज़ कर सकते हैं, क्या क्या आइडियाज़ हैं प्रोफेशनल के, और किस तरह से उनको अचीव किया जा सकता है, और इस तरह से डिफरेंट टाइप की गाइडेंस उनको प्रोवाइड करना, स्टूडेंट्स को सेमिनार लग सकते हैं या 5 to 10 minutes टीचर स्पेंड कर सकता है क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल ट्रेनिंग, कि जैसे कि किसी बच्चे को बहुत प्रॉब्लम आ रही है और उसकी क्लास में भी उसने पूछा बट उसको प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए टीचर उनको इंडिविजुअल ट्रेनिंग भी दे सकता है, ओके। अब हम इनका जो कंटेंट होगा वो किस तरह से आप लिख सकते हो मैं वो आपको बता देती हूँ। लिमिटेड साइज ऑफ द क्लास, साइज ऑफ द क्लास इट शुड बी स्मॉल, इट शुड बी डिवाइडेड इनटू टू वेरियस यूनिट्स सो दैट आफ्टर क्लास वर्क क्लासरूम वर्क देयर वेरियस डिफिकल्टीज मे बी फाउंड आउट। जनरली देयर वर मोर देन 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास बट नाउ गवर्नमेंट मेड रूल्स Not more than 30 students in each section of a class. ये मैंने आपको ऑलरेडी सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसका कंटेंट आप कैसे लिख सकते हो ये मैंने सिर्फ वो एक्सप्लेन किया है। होम टास्क, द टीचर शुड असाइन होम टास्क टू स्टूडेंट्स वाइल कीपिंग इन व्यू द इंडिविजुअल डिफरेंसेज एंड इट शुड नॉट टू इंक्रीज द बर्डन ऑफ द स्टूडेंट्स बट टू एनहांस देयर नॉलेज। नेक्स्ट इज फैक्टर ऑफ सेक्स, बॉयज एंड गर्ल्स आर टू प्ले डिफरेंट रोल्स इन सोसाइटी, हैंस द फैक्टर ऑफ सेक्स शुड बी कैप्ट इन माइंड because in society there are specific gender stereotypes and gender roles, they must know what are these. Method of teaching, methods of teaching should be chosen on the basis of individual differences. It is not advisable to use the same method of education in the case of all learners, gifted or backward.
नेक्स्ट इज प्रॉपर डिवीजन ऑफ द क्लास. मेनी मेथड्स आर अडॉप्टेड टू ग्रुप लर्नर्स. सम स्कूल्स डिवाइड लर्नर्स ऑफ द सेम एज इनटू क्लासेस एंड ईच क्लास इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस सो दैट द नंबर ऑफ लर्नर्स टॉट टुगेदर इज रीजनेबली मैनेजेबल. द गिफ्टेड एज वेल एज द डल लर्नर्स आर टॉट टुगेदर इन सच ग्रुपिंग. मैं दोनों स्टूडेंट्स को साथ में लेकर चला जाता है. यूजुअली फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर साइटेड बाय द प्रोटैगोनिस्ट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ ग्रुपिंग. लाइक द डल लर्नर्स कैन गेट इंसेंटिव एंड मोटिवेशन फ्रॉम द नॉर्मल लर्नर्स. The normal learners can get motivation and incentives from the gifted learners, and the gifted get opportunity to lead other learners. Okay. So next is guidance. The program of guidance is not confirmed to the selection of subject. कि एक particular subject से लेकर या किसी particular activity से लेकर ये confirm नहीं है. ये किसी भी तरह की guidance हो सकती है जिसमें भी बच्चे को difficulty आ रही है. So it can be educational, vocational, social, ethical and sex regarding. Different type of guidance are educational, vocational, recreational, social, health, ethical and sex guidance. Next is individual training. Individual training can be provided to the learners. Some of these plans are as under. By Delta method, Morrison method, contract method, project method, Montessori method, kindergarten method, heuristic method, activity method, basic education system and program instructions. देखिए यहाँ पे आपको ना तो इतना टाइम होगा कि आप इन सब मेथड्स को एक्सप्लेन कर पाओ, ना आपके पास इतनी शीट्स होंगी, ना इतना टाइम होगा, ठीक है. और ना ही ये टाइम है, ये यहाँ पे नीड है कि आपको इन सारे मेथड्स को एक्सप्लेन करना पड़े, बिकॉज आपका जो क्वेश्चन है वो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस टू डील विद ह्यूमन डाइवर्सिटीज है, ना कि मेथड्स को एक्सप्लेन करने के लिए है, ठीक है. तो इन मेथड्स के थ्रू आप बच्चों को इंडिविजुअल ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है. तो आपको इतना ही मेंशन करना इम्पॉर्टेंट जरूरी रहेगा. तो अगर आप इसका कंक्लूजन बनाओगे तो कंक्लूजन ये रहेगा कि बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स education can be used to handle the individual differences among the students and it will help to do the all round development of the learners. Okay, so this was my session. I hope you liked it. अगर session पसंद आया हो तो please like जरूर करके जाइए, और subscribe ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा. thank you so much. next हम next unit start कर देंगे. that is I think role of home, school and society in human development, in child development. Okay, that we will complete it. Thank you, students.